एक ये टिंडर प्रभाव आपके सिलेबस में है, ये आप देख लीजिए है क्या ये चीज टिंडर प्रभाव। टिंडर प्रभाव कुछ है नहीं बेटा, जब हम किसी विलयन से ये लाइट को पास करते हैं बेटा, तो ये जो कॉर्नर सा जो शेप बन जाता है, जो एक तिरछा सा शेप बनता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा टिंडर प्रभाव। टिंडर प्रभाव में क्या होता है, इसमें जो विलयन में जो कण होते हैं ये बहुत रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इसके थ्रू हमको ऑब्जर्व करने के लिए हमने ऊपर से माइक्रोस्कोप लगाया और इस विलयन में हमने झांक के देखा, तो यहाँ पे एक कोना, एक कोनिया, एक हमको कोन मिलता है, जिस कोन को हम बेटा टिंडर प्रभाव कहते हैं, टिंडर इफेक्ट करते हैं। आप याद करिए वो एक अंधेरा कमरा रहता है, उस अंधेरे कमरे में कहीं छोटा सा होल रहता है और वहां से अगर सूर्य की किरणें आती है तो एक कोन की जैसे आती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए आपका एक कमरा है, ठीक है, ये आपका रूम है, बंद रूम है, तो यहाँ पे छोटा सा एक मान लीजिए होल है, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे सन है, ठीक, यहाँ पे सन है, इसकी सन की जो लाइट है बेटा इसके थ्रू पास हो रही है, यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है वो कैसा, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है बेटा, एकदम कॉर्नर सी, एक यहाँ पे ऐसे बाइफर्केट हो जाती है, ये ऐसे ये जो इमेज बनती है बेटा वो ऐसे कहीं इस टाइप की कहीं आपके यहाँ बनती, तो ये जो कोना वाला पोर्शन बनता है बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। बात समझ आ रही है, ये जो इफेक्ट बन बोलते हैं बेटा इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये बेसिकली विलयन में देखा जाता है, हम लोग जब ऊपर से कोई लाइट पास कराते हैं किसी भी विलयन में तो ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं स्टड में, तो एक कोन सा बनता है बेटा, उस कोन को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको फिगर बना लीजिए बेटा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले टिंडल, जो टिंडल नाम रखा है टिंडल साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है, तो उसकी डिस्कवरी उसी से हुई थी। बेसिकली ये विलयन के कणों के बारे में जानकारी के लिए टिंडर प्रभाव है। ठीक है, इसको आप लोग फिगर में बना लीजिएगा, कॉपी फिगर में बना के उसके बाद कॉपी में ये फिगर बना लीजिएगा और इसकी डिफिनेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।